Now we are slaves. Even I was born after independence. But you all must know the sacrifices taking place by the our freedom fighters. Thousands of people have martyred. They died for the country. I also have been lucky to go to Andaman Nicobar and saw the place which was earlier known as Kalapani. And now it is under India is a heaven. People go to visit that place. And I have seen the jail. I have seen the type of punishment was given to Indian. बड़ी-बड़ी बल्लियाँ जो पेड़ों की होती है उनको पीछे बांध दिया जाता था और उनको मारा जाता था. उनके कई प्रकार के वहाँ जो लोहे के जंजीरें थी कि जिसमें आप बैठ नहीं सकते हैं. जंजीरें यहाँ है, जंजीरें यहाँ है, जंजीरें यहाँ है. इस तरह की जंजीरें भी थी जिसमें कि आप हिल नहीं सकते. तमाम प्रताड़ना की जाती थी. हमारे समय भी हमने देखा है कि इंडियन रेलवे में थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास छोटा था और हमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में चलने का मौका नहीं मिलता था. हम आपको नहीं पता है कि देश कैसे हुआ है. और मुझे गर्व है कि एज ए मैनेजर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बोलने का मौका मिला है और ऐसे स्टूडेंट जो कि बडिंग है और कल के नेता हैं, कल के लिए नरेंद्र मोदी हैं, कल के लिए राहुल गांधी है, कल के लिए IAS है, IPS है. तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस नेशनल फेस्टिवल को बनाएं, अच्छी बात है. बट हमें कोई भी कंट्री है वो इस फॉर द पीपुल ऑफ पीपुल एंड बाय द पीपुल. हम देश को कोसते हैं, हमारा देश बैकवर्ड है, गरीबी है, लेकिन हम क्या करते हैं. हमारा नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए. हमारे देश के अंदर में तमाम अभी भी हमारा देश प्रोग्रेस बहुत किया है पहले से. एक समय था कि गांव में साइकिल इक्का दुक्का आदमी हुआ होता था. कुछ समय आया कि टू व्हीलर किसी के पास आया तो उसको आदमी सोचता है इस पर टू व्हीलर है. और लास्ट 70-71 ईयर्स में देश बहुत प्रोग्रेस किया है. अभी फोर व्हीलर देखिए घर में 3-3 4-4 मिलते हैं. और हाईवे के ऊपर में तमाम रोड के ऊपर में अगर फ्यू सेकेंड रुक जाते हैं तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है. आज के दिन में देश बहुत आगे बढ़ रहा है. आप सुन भी रहे हैं कि हमारा देश जो है फाइनेंस में, इकोनॉमी में 6 नंबर पे आ गया है. और 62 आर के टाइम जो है इंडिया के अंदर में 16वीं नहीं बनता था. 62 आर में आपको मालूम पड़ा था कि हमारा देश पूरी तरह से हारा था. वो एक हमारे लेसन था. और हमारी इंडिया एक स्ट्रांग नेशन है, स्ट्रांग आर्मी है. और जिसके तरह डोकलाम कांड आप पढ़ते होंगे कि चाइना को भी रुकना पड़ा, नहीं तो इस समय में इंडिया और चाइना में तुलना नहीं था. तो ये इसलिए हो रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है. आपको नेशनल कैरेक्टर बनाना है. देश के अंदर में कुछ इवेंट्स हैं, करप्शन, डाउरी, रेप, इसके लिए आप हमको सोचना है. ये बहुत सारे सोचने की बात है. माइंड को सेंसिटिव कर देते हैं कि रेप अगेंस्ट माइनर ये कितना बड़ा अपराध है. अभी अपराध माइनर के अगेंस्ट में रेप के लिए फांसी सजा स्टार्ट में हो गया है. तो हमें से आप में से लोगों को सोचना है. हमको अपने अपने भाई बहन को सोचना है कि हमारे भाई और बहन हैं. अगर कोई छेड़खानी करता है तो बगल वाला उसको कोई के देखते रहते हैं तो सजा देना है. और हमारी बेटियों को इतना मजबूत बनना है कि कोई छेड़खानी या करने की कोशिश करता है उसको नाम तोड़ देना है. ठीक है. तो हमारे देश के अंदर में आप सबको मजबूत बनना है और नेशनल कैरेक्टर को स्ट्रांग करना है. जैसा कि विवेकानंद ने बोला है आपको किसी से डरना नहीं है, डरना तो ईश्वर से डरना है. हम हमारा एक इंसान का कर्तव्य होता है कि हम हमारे अंगों को ईश्वर देख रहा है. एक मानवीय थे बोलते थे मैं ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी जानता है. और पानी की वो तालाब में जो घुस करके पानी पीते थे और मुंह में केकड़ा फंस गया. तो ऐसा काम नहीं करना है कि हम सोचते हैं कि जैसे कोई 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 इंसान होता है इंसान को भगवान समझ करता है. और जब जो कि गलत है, भगवान जो है
सबसे ऊपर है, सबको देखता है। तो जब इंसान को भगवान समझता है तो कभी कभी तो उसके सामने वो राधा भी इसमें से काम करता है, अगर वो इंसान नहीं है तो बिल्कुल बैलगाड़ी बन जाता है। क्रिया कर्मा, कुछ देशों ने महात्मा बुद्ध के क्रिया कर्मा को जो माना है, चाइना जापान वगैरह बहुत आगे बढ़ गए। तो जैसा आप करते हैं, हमारे टीचर ने बताया था कि रिजल्ट ऑफ गुड इज ऑलवेज गुड, रिजल्ट ऑफ बैड इज ऑलवेज बैड। उसको हमने थोड़ा पढ़ लिख के बताया कि व्हाट एवर यू डू गेट बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट के बारे में समझते नहीं होंगे क्योंकि स्टूडेंट है, माँ बाप तो पॉकेट मनी देते हैं, उससे आप खर्च करते हैं, उसे समोसा पकौड़े खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन जो भी आप काम करते हैं, अच्छा बुरा, आप किसी का एग्जाम्पल में लेना चाहता हूँ, देश के अंदर में बड़ा से बड़ा इंसान हो अगर गलत रास्ते में पैसे कमाता है तो उसका दिल बहुत बुरा होता है। बट इसने मैं इसकूंगा नहीं, आज के दिन में देखिए लालू प्रसाद यादव को, उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया, वो पाया पे अच्छा चीफ मिनिस्टर आपको आकर ही इतने सुझाव मिला है कि आप अच्छा से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप हम करते हैं खराब है, लेकिन आप पढ़ने के बन जाते हैं तो आप माँ बाप को छोड़ देते कि डॉरी मिलना चाहिए, क्या है डॉरी लेना अच्छा है बुरा है, तो कहना वो आसान है। करप्शन है हमारे देश में जो है, सभी लोग इंजीनियर बनके डॉक्टर बनके आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, अभी देश के अंदर लोग इतना कम है कि आर्मी ऑफिसर भी बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहते, वो हमारी भावना को देशभक्ति को आगे बढ़ाना है। किसी भी देश के लिए इकोनॉमिकल पावर के साथ साथ में मिलिट्री पावर तभी होगा तभी देश स्ट्रांग हो सकता है। आज के दिन में अमेरिका स्ट्रांग इसलिए है कि अमेरिका इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और मिलिट्री भी स्ट्रांग है। तो आप ये भी सोचो कि मैं आई एस आई पी एस बन के ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, उस पैसे से आपको आप पता होना चाहिए कि इंसान जब पैसे कमाता है तो अंत में 30% भी नहीं खर्च कर पाता हो। ऐसे कर्नल में जाता हूँ जितना कमाया हूँ तो 30% भी खर्च नहीं कर पाता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर आगे हाथ खरीद दिया आप लोग, तो पैसे की कमी नहीं होती है, सोच की कमी होती है और उसके वजह से आप जो है गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, रोड में आप घटिया काम कराते हैं, टीटी बनते हैं, चलते समय टीटी में आप पैसा देते हैं, तो ये करता कौन है? गवर्नमेंट थोड़ी बोलती है क्या प्रश्न करो, मोदी जी योगी जी बोलते क्या प्रश्न करो पैसे को, करते हम लोग। तो जब तक हम अपनी आदत ठीक नहीं करेंगे, और ये स्टार्ट होता है आपके यहाँ से टीचिंग स्टाफ से, मुझे गर्व है और सारे फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे, सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर है आज के दिन समझ लेंगे कि हम करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, करप्शन में फाइट करेंगे, ठीक है। यहीं पर जो है आप चूंकि सेकेंड इंडिपेंडेंस डे का, आप सबको वंस अगेन आई कंग्रेचुलेट यू एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।